नदिया के तीरे हम जाइब, गंगा जी में डूब की लगाइब, करबै छठी के व्रत, देबै सूरज के अरघ। जैसे जैसे छठ नजदीक आ रहा है, लोगों में जो एक्साइटमेंट रहता है वो बढ़ते हुए दिखता है, और साथ में लोकप्रिय गीत अगर सुनने के लिए मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। हमारे साथ रंजना जी जुड़ी हुई हैं जो छठ गीत हम लोग के सामने लेकर आई हैं। मैम, छठ के टाइम पे ना छठ गीत बहुत सुनते हैं लोग, और ऐसे भी लोगों को बहुत पसंद रहता है, तो क्या सोच कर आपने मतलब स्टार्ट किया था छठ गीत गाना? देखिए, क्योंकि हमारे ये जो हम जहाँ रहते हैं वहाँ छठ बहुत ही पावन आस्था का पर्व है। हमारे पूरे बिहार में बहुत सुंदर तरीके से मनाया जाता है, और यहाँ लगता है कि छठी मैया भगवान सूर्य हमें सब चीज़ से भर देंगे, निरोग काया, धन धान्य, और जैसे संतति मतलब पुत्र पुत्रियाँ मतलब गोद भर देंगे, हर चीज़ छठी मैया और सूरज भगवान से मांगते हैं। तो ये है दूसरी प्रकृति को समर्पित, प्रकृति से ही हर चीज़ लिया जाता है, इसमें एक एक चीज़ प्रकृति को लिया जाता है और भगवान को अर्पण किया जाता है। और ये छठ पर्व ऐसा है कि आपको कोई जात नहीं, कोई बिरादरी नहीं, कौन अमीर है कौन गरीब है कोई दिखता नहीं, तो ये सुंदर सद्भावना का प्रतीक है पर्व, और इसको ना गाऊं तो क्या करूं। माई खातिर आपने गाया है, मैम क्या मतलब दिमाग में आया, कब स्टार्ट किया आपने, और छठ के टाइम पे ये रिलीज़ हो रहा है, तो मतलब क्या सोची थी, कितना एक्साइटमेंट था इस गाने को लेकर? ऐसा है कि इस गीत को लिखा है अश्मिता शर्मा जी ने, वो बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं, बहुत सारे फिल्मों में काम किया है उन्होंने, और उनकी फिल्मों में मैंने गाया भी है। तो उन्होंने कहा कि एक छठ का गीत करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए अपनी आवाज़। पियर पियर धोतिया रंगाइब, पियर कुर्ता के रंग, पियर कुर्ता के रंग, नदिया के तीरे हम जाइब, गंगा जी में डूब की लगाइब, करबै छठी के व्रत, देबै सूरज के अरघ। ये गीत सुनते ही इंसान झूम उठता है, इससे पहले भी कोई गीत गाई है छठ पे? हाँ, बहुत सारा गाया है जी, अभी गाया तो बहुत है, लेकिन मैं जो अभी रिलीज होने वाला है वो आपको सुनाती हूँ। हमरो पर होई यो सहाय, हे छठी मैया हमरो पर होई यो सहाय, हमरो पर होई यो सहाय, हे छठी मैया हमरो पर होई यो सहाय। तो आपने सुना छठ का गीत, कितना मधुर आवाज़ में इन्होंने गाया, रंजना झा ने गाया, और साथ ही साथ छठ का टाइम है, और जो लोकप्रिय गीत रहते हैं लोग सुनना काफ़ी पसंद करते हैं, और माई के खातिर भी आप सुने, और जिस तरह से झूमते हैं लोग छठ के टाइम में ऐसे ही झूमें, तो बने रहे कैसे सुनिए, उसके साथ मैं काजल सर्वेश।